तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बिला सॉफ्ट के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। चलिए एक अच्छी बात है कि कंपनी एटलीस्ट कुछ डिविडेंड तो दे रही है, क्योंकि शेयर तो देखा जाए तो उसे बहुत अच्छा खासा करेक्शन मोड पर चला गया। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1221 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल मात्र 1101 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1226 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। जितना पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था उतना ही इस क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1241 करोड़, पिछले साल 950 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1084 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने यह बहुत शानदार काम किया है कि कंपनी अगर अपने रिवेन्यू को नहीं बढ़ा सकती है तो कंपनी खर्चे को कम कर सकती है। ये कंपनी ने इस क्वार्टर में सोचा समझा और किया भी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अगर एक्सपेंस में 482 करोड़ लगे थे, इस क्वार्टर में मात्र 330 करोड़ लगे। इसको भी कम किया जा सकता है, अगर अगले क्वार्टर में कंपनी और कम कर दे तो और बेहतर हो सकता है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, आप सभी को पता है, अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 132 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 112 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी फिर से आ चुकी है। तो एक बहुत बेहतरीन चीज यहां पे देखने को मिली कि कंपनी रेवेन्यू को बढ़ाई नहीं घटाई, सेम है कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से, लेकिन इतना बड़ा चेंज कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जहां कंपनी लॉस में 16 करोड़ की थी वहां 112 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। बहुत बेहतरीन नंबर मेरे हिसाब से। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली माइनस में थे 0.59 पिछले साल, जबकि इस क्वार्टर में 4.07 के आसपास आ चुके हैं। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये नंबर तो पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगे, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा नहीं है लेकिन कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। साल दर साल तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी का साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बैलेंस होता हुआ आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऊपर के लेवल से गिर चुका है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी रैली इस शेयर के अंदर इस रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिल सकती है। बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।